हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। आज हम चावल की पापड़ बनाने वाले हैं और हम एक गिलास चावल से ढेर सारी पापड़ बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगो देते हैं। ये मैंने एक गिलास चावल लिए हैं। अब इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए भीगने देंगे। इसको हम ढक देते हैं और ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको हम ये देखिए, हमारे चावल है वो अच्छे से भीग चुके हैं। ये मैंने जो घर में मैं नॉर्मल चावल यूज़ करती हूँ वही लिए हैं। अब इनको हम कुकर में पकाएंगे। ये मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने देसी घी का यूज़ किया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम हमारे चावल डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पापड़ में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसे मसाले डालेंगे। सबसे पहले काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक गिलास चावल लिए थे मैंने, तो इसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे। मैं उसी ग्लास से मेजर करी हूँ जिससे मैंने चावल मेजर किए थे। 4 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे और 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे हम। ये हम चावल को अब देख लेते हैं पके हैं या नहीं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ये। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर बाद में हम इसके पापड़ बनाएंगे। ये मैंने पॉलीथिन ली है, इस पे हम घी लगा देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा सा घी हम हाथ पे भी लगा लेंगे, हाथ को चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो चावल है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इनसे हम पापड़ बनाएंगे। ये हम जैसे रोटियों के लिए पेड़ा बनाते हैं वैसे ही हम इसको बना लेंगे। ये हमने बना लिया है। अब इसको हम पॉलीथिन पे रख देंगे जिसपे हमने घी लगाया था, और ये दूसरी पॉलीथिन जिसपे हमने घी लगा दिया था। इनको हम ऊपर नीचे रख के और ये हम प्लेट इसके ऊपर थोड़ा हल्के हाथ से दबा देंगे। अब इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए हमारा पापड़ बन गया है बिल्कुल। अब इसको हम पॉलिथिन को हटा देंगे धीरे धीरे। ये देखिए अब हम सारे पापड़ ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे पापड़ है वो बना लिए हैं। अब इनको हम एक दिन के लिए सूखने के लिए धूप में छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पापड़ है वो अच्छे से सूख चुके हैं। ये देखिए कितने ज्यादा अच्छे बने हैं। ये एक गिलास चावल में हमारे कितने पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम फ्राई करके देखते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पापड़ डाल देंगे। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है इसका। ये देखिए इसको अब निकाल लेंगे हम। अब ऐसे ही सारे पापड़ तल लेते हैं हम। ये देखिए हमने सारे पापड़ को तल लिया है और ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय दोस्तों।